खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की न्याय पत्र में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का जिक्र, कांग्रेस की 19 बिंदुओं की स्वास्थ्य न्याय का जिक्र है। सभी तरह के चिकित्सा प्रणालियों को मजबूत की जाएगी, मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को भी मिलेगा, सरकारी और निजी सभी क्षेत्रों में मिलेगा। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियां सरकारी अस्पतालों में भरी जाएगी। हम सब जानते हैं कि जो दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा व्यवस्था है वो ज्यादातर पैरामेडिकल वर्कर्स संभालते हैं और छोटे मोटे इलाज करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे भारतीय कांग्रेस ने इसको एड्रेस किया है और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सभी प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य रहा है मातृत्वा में, तो चिकित्सा प्रणालियों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए बगैर मजबूत किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। आप लोग पिछले दिनों देख रहे हो कि फार्मा उद्योग में दवाइयों का स्तर और दवाइयों के दाम के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में कही गई है। दवाइयों की गुणवत्ता और उनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए भी कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिखाया है कि इसमें फिर से किया जाएगा और जो फार्मा उद्योग है उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार के औषधालय आप देख रहे होंगे ईएसआई और दूसरे जो सीमेंट डिस्पेंसरी है उनकी बहुतायत नहीं है, रायपुर जैसे शहर में इसकी कमी है, इसकी और डॉलर की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसमें ब्रांडेड और अच्छी जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता रखी जाएगी।